हेलो गाइस, मैं हूं आपका फोटोग्राफी फ्रेंड राहुल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रंगों की। हाँ जी दोस्तों, कलर्स की। तो स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। तो हो गया, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सोचो यार, लाइफ में अगर कलर्स नहीं होते तो एवरीथिंग ब्लैक एंड व्हाइट, कैसा लगता है यार? कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, आई मीन सेम इन दी फोटोग्राफी एज वेल। अगर आपको अपना बचपन याद हो तो हमें हर एक कलर का मीनिंग बताया जाता था। हमें बताया जाता था कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें हर कलर का क्या मीनिंग है, और हमें याद कराया जाता था वो सब कुछ। तो हर कलर एक इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। फोटोग्राफी में रंगों को कैसे यूज करना है, आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। जिस तरह पेंटर, डिजाइनर, आर्टिस्ट, इन लोगों को कलर्स की बहुत समझ होती है, तो सेम वे फोटोग्राफर को भी कलर्स को समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कलर थ्योरी से। कलर्स के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले माइंड में आता है रेड कलर। आई मीन पर्सनली मेरे माइंड में तो रेड ही आता है। तो रेड, येलो और ब्लू, ये कलर प्राइमरी कलर होते हैं। दैट मीन्स ये तीन प्योर कलर हैं जिनसे बाकी दूसरे सभी कलर बनते हैं। अगर हम दो प्राइमरी कलर्स को लेते हैं और उनको मिला देते हैं तो हमें सेकेंडरी कलर मिलता है, और फाइनली टर्शरी कलर्स वो हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिलाने से बनता है। तो आप देख सकते हो, रेड और येलो को मिला के ऑरेंज बनता है, रेड और ब्लू को मिला के मजेंटा बनता है, और ब्लू और येलो को आप मिलाओगे तो ग्रीन बनता है। और सेम वे टर्शरी कलर को होता है, इसमें आप प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को मिला के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स बना सकते हो। और ये जो कंप्लीट सर्किल है इसको हम कलर व्हील कहते हैं, और ये कलर डिसीजन में काफी हेल्प करता है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कलर फोटोग्राफी में कैसे यूज होता है। तो आंसर ये है कि हम इन तीनों कलर ऑर्डर को समझ कर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपने फ्रेम में कौन कौन से कलर्स रखने हैं। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हर एक कलर के साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कलर हमारे मूड पर अच्छा खासा असर डालते हैं। आई मीन कलर्स मेक अस फील, जो आपकी फोटो स्टोरी है उसमें टोन और टेम्परेचर को यूज करने की कोशिश करें। सपोज आप कोई हॉन्टेड प्लेस शूट कर रहे हो और वहां पे आप ऑरेंज टोन दे देते हो उसमें, तो आई मीन इट फील्स लाइक आर्टिफिशियल। तो उस हॉन्टेड प्लेस को एक फील देने के लिए आपको डार्क टोन यूज करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मूडी टोन यूज करनी पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं इन कलर के साथ क्या इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं रेड। तो रेड के साथ एसोसिएटेड होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट, जुनून, एंगर। ऑरेंज कलर, इसके साथ एसोसिएटेड होता है वार्म, खुशी, उत्साह। येलो, चेयरफुलनेस, फ्रेंडलीनेस और क्रिएटिविटी। जो ग्रीन कलर है वो सिंबोलिज्म है कामनेस का, नेचुरल, बैलेंस और ग्रोथ। ब्लू कलर जो है शांति, कोल्ड, सैडनेस और ट्रस्ट। जो मजेंटा कलर है वो इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है। ऑल दो फोटोग्राफी में काफ़ी सारी चीज़ों को कहते हैं ब्रेक द रूल, तो सेम कलर थ्योरी के साथ भी अप्लाई होता है। आई मीन यू कैन ब्रेक द रूल, जो आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से चूज कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कलर की प्रॉपर्टी के बारे में। तो कलर की तीन प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या? ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस, उसको लाइटनेस भी कहते हैं। तो जो इमेज एडिटिंग करते हैं लाइक लाइट रूम में या कैमरा रॉ में, आप लोग HSL स्लाइडर यूज करते हैं। तो HSL स्टैंड्स फॉर ह्यू, सैचुरेशन एंड ल्यूमिनोसिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द ह्यू। तो हम ये एक एग्जांपल ले सकते हैं। ह्यू क्या होता है? ह्यू सिंपली शेड्स है, या कहा जाए तो कलर का नाम। हमारे एडिटिंग प्रोग्राम में इसका स्लाइडर पूरी तरीके से कलर को चेंज करता है। अब जैसे मान लिया हम ग्रीन कलर लेते हैं, ये हमारा ग्रीन कलर है, राइट? और अगर मैं ह्यू को चेंज करता हूं तो आप देखोगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो यानी कि ये कंप्लीटली ग्रीन कलर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो हम इसको वापस रिसेट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं सैचुरेशन की। तो अभी हमने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया हुआ है, सैचुरेशन क्या है? सैचुरेशन कलर का अमाउंट या इंटेंसिटी बताता है, मतलब कि ये ग्रीन है तो कितना ग्रीन है,
आप देखो मैं ग्रीन का सेचुरेशन कम कर रहा हूँ तो ग्रीन का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और सेम वे अगर मैं सेचुरेशन बढ़ाता हूँ तो ग्रीन टोन बढ़ जाती है। तो हम इसको फिर से रिसेट कर देते हैं जीरो। अब बात आती है ल्यूमिनेंस या लाइटनेस। तो ल्यूमिनेंस इज द ब्राइटनेस ऑफ द कलर, ये हमें ब्राइट कलर बाहर लाने के काम आता है या स्किन टोन को ठीक करने के काम आता है। अब मैं स्लाइडर को अगर मूव करूंगा तो आप देखोगे तो ग्रीन कलर की लाइटनेस बढ़ रही है, और सेम वे अगर मैं इसको माइनस में लेके जाता हूं तो डाउन होते जा रही है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब हम बात करते हैं कलर स्कीम के बारे में। जब भी लोग अपने घर को पेंट करने का प्लान करते हैं तो वो ये प्लान करते हैं कि हमारा रूम का कलर हमारे फर्नीचर के कलर से मैच होना चाहिए, या जो कर्टेंस हैं उनका कलर वॉल कलर से मैच होना चाहिए। तो बेसिकली वो लोग एक कलर स्कीम बना रहे होते हैं। एंड वी डू द सेम थिंग इन द फोटोग्राफी वाइल वी क्लिकिंग एन इमेज। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कलर स्कीम्स होती हैं ये वाली। पहली होती है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, दूसरी होती है एनालॉगस कलर, तीसरी होती है मोनोक्रोम कलर। सिंपली कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो कलर हैं जो कलर व्हील में एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे रेड और ग्रीन, या फिर ऑरेंज और ब्लू। तो ये कलर आपस में बहुत अच्छे लगते हैं, ये रंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और बैलेंस बनाते हैं। तो आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं जो मैंने पिछले अपने कुछ शूट्स में क्लिक किए हुए हैं, लाइक दिस ब्लू और ऑरेंज, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, सेम ब्लू एंड ऑरेंज। यहाँ आप देख सकते हो रेड और ग्रीन, ये अगेन कॉम्प्लीमेंट्री कलर, एंड सेम वे रेड एंड ग्रीन। अब हम बात करते हैं एनालॉगस कलर की। कलर व्हील में एक दूसरे के बगल में और सिमिलर कलर को शेयर करने वाले कलर एनालॉगस कलर होते हैं। देयर विल बी वन डोमिनेंट कलर इन कॉमन, मोस्ट प्राइमरली प्राइमरी कलर, बट सेकेंडरी और टर्शरी भी हो सकते हैं। जो लैंडस्केप फोटोग्राफर है वो एनालॉगस कलर को बहुत अच्छे से यूज करते हैं अपनी फोटोग्राफी में। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच आई हैव क्लिक्ड। तो आप इस इमेज में देख सकते हो, इस इमेज में ब्लू, मजेंटा और रेड, ये तीन कलर यूज हुए हैं, और इस इमेज में रेड, येलो एंड ऑरेंज कलर यूज हुआ है। तो ये सब एनालॉगस कलर हैं। अब हम बात करते हैं मोनोक्रोम की। तो जब हम मोनोक्रोम के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में आता है ब्लैक एंड व्हाइट, जबकि मोनोक्रोम एक्चुअल में किसी एक कलर को रेफर करता है, मतलब इमेज में एक ही कलर के डिफरेंट शेड हो जाते हैं, बट देयर विल बी ओनली वन कलर। फॉर एन एग्जांपल, इसमें ब्लू कलर यूज किया हुआ है, तो ब्लू कलर के डिफरेंट शेड्स हैं। इस इमेज में ऑरेंज कलर के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं, इस इमेज में ग्रीन कलर के डिफरेंट शेड्स हैं। तो ये मोनोक्रोमेटिक कलर्स में आते हैं। आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कलर्स के बारे में। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी बाहर जाओ अपना कैमरा लेकर, अपना जो आपका फेवरेट कलर है उसको शूट करो, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो, और उसी के आसपास में अपनी सारी इमेज क्रिएट करो। फिल दी फ्रेम विथ 2-3 डिफरेंट ह्यूज। आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज करो, मोनोक्रोमेटिक यूज करो, और आप डिफरेंट कलर के साथ एब्स्ट्रैक्ट इमेज बनाने की कोशिश करो। इवन पोस्ट प्रोडक्शन में हम काफ़ी सारी चीज़ों को कलर बैलेंस करते हैं, क्योंकि पर्सनली आई एम ए वेडिंग फोटोग्राफर। तो वेडिंग में सपोज कि आई वांट टू टेक ब्राइडल पोर्ट्रेट, बट बैकग्राउंड में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, वी डू पोस्ट प्रोसेसिंग इन लाइटरूम। तो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उनके कलर्स को, इधर हम लोग उनका सेचुरेशन कम कर देते हैं या फिर उनका ह्यू चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से इमेज को मोर अट्रैक्टिव बनाया जाता है, और ये सारी चीज़ें हम HSL स्लाइडर का यूज करके करते हैं। बस इतना ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट का स्किन टोन ना चेंज। तो अगर हम रिकैप करें तो हमने इस वीडियो में सीखा कि तीन ऑर्डर्स होते हैं, लाइक प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टर्शियरी कलर, और तीन प्रॉपर्टीज होती हैं ह्यू, सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस, बेसिकली HSL। और तीन पॉपुलर कलर स्कीम होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस और मोनोक्रोम।
जब आपके पास कलर कॉन्सेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो, आप अपने आप इमेजिन कर सकते हो कि इस कलर के साथ में कौन सा कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, और आप अपना सीन इमेजिन करके क्लिक कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। यू कैन सब्सक्राइब अवर कॉमर्शियल चैनल विटी शेडोज, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप क्लिकिंग, बाय बाय।